Hello everyone, welcome back to my class. Today we'll start with the concept sense organs. What is the concept? Sense organs. Abhi last time we have done about our body parts. Today we will do sense organs. Abhi sense organs kya hote hain? Sense organ means the body parts ke work kya hote hain. Okay? Kaun sa body part kis kaam aata hai? That is called sense organ तो हो गए part और sense means what work is done by that organ यानी what work is done by that part on वो body part किस चीज के लिए काम आता है लो that is called sense organs. अब हमारे पास कितने sense organ है? We have 5 sense organ. How many sense organs? 5 sense organs. Now look at this picture carefully. Now look at this picture carefully. How many sense organs we have? We have 5 senses. How many senses? We have 5 senses. First is sense of sight. Second is sense of taste. Third is sense of touch. Fourth is sense of smell. And fifth is sense of sound. Now what is sense of sight? Sight means see. Dekhna. So hum kisse dekhte hain? Kisse dekhte hain hum? किसकी मदद से देखते हैं हम देखते हैं आईज की मदद से. किसकी मदद से देखते हैं? आईज की मदद से. आईज हमारे पास कितनी है? 2. तो सेंस ऑफ साइट इज आईज. नाउ सेंस ऑफ टेस्ट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि टंग किस लिए काम आता है? टेस्ट के. जब हम कुछ खाते हैं तो उसका टेस्ट हमें पता चलता है कि नहीं पता चलता है? कि जब हम मिठाई खाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये मीठी चीज है. जब हम कुछ नमकीन खाते हैं तो पता चलता है ये तो बहुत अच्छी नमकीन है, खट्टा है. और जब हम कुछ नींबू डाल के कोई चीज खाते हैं तो कैसा खट्टा खट्टा सा लगता है ना, नमकीन का सॉल्टी अलग लगता है. और जब हम कुछ खट्टा सा खाते हैं, जूस पीते हैं या कुछ भी खाते हैं तो हमें उसका टेस्ट पता चलता है. करेला खाते तो लगता है ना, अरे ये तो कड़वा कड़वा सा है ना. तो इस सब का इस सब चीजों का टेस्ट हमें कौन बताता है? टंग. तो टंग इज अ सेंस ऑफ टेस्ट. नाउ सेंस ऑफ टच. टच मींस छूना. जब भी आप हाथ से, वो किसका काम होता है? हैंड्स का, फिंगर्स और पाम का. तो जब भी आप कोई चीज छूते हो आपको पता चल जाता है ना कि ये चीज गर्म है. जब आप चाय पीते हो, मिल्क पीते हो और ग्लास गरम होता तो आपको पता चल जाता है ना, हैंड्स लगाते ये तो गरम है. जब आप फ्रिज में हाथ लगाते हो, ठंडा ठंडा पानी मिलता तो आपको पता चल जाता है ये ठंडा है. पता चल जाता है कि नहीं पता चल जाता? तो इससे हमें, जब हमें आपको ऐसे मैम मारती है या मम्मा मारती है, डांटती है, तो आपको पता चल जाता है ना कि आपको चोट लगी. आप गिर जाते हो तो आपको पता चल जाता है ना कि आपको चोट लग गई है. तो ये सब किस, ये क्या है? सेंस ऑफ टच. ठीक है, छूने से आपको सब कुछ पता चल जाता है. नेक्स्ट इज स्मेल. आज तो मम्मा ने छोले भटूरे बनाए घर पे. आज तो मम्मा ने छोले पूड़ी बनाया है. आज तो मम्मा ने राजमा चावल बनाया है. खुशबू से आपको पता चल जाता है. तो खुशबू कहाँ से आती है? नोज से. जब आप घर में आपके कुछ फ्लावर्स वगैरह आते हैं पूजा घर में लगाने के लिए, तो आपको उसकी स्मेल आती कि नहीं आती? आप स्मेल से समझ जाते हो ना कि ये तो रोज का प्लांट है, ये तो मारीगोल्ड के फ्लावर्स हैं. पता चल जाता है ना. तो इस सब का काम कौन करता है? नोज. ओके, नाउ सेंस ऑफ साउंड. साउंड म्यूजिक. सुनते हो आप? म्यूजिक सुनते हो. मैम बोल रही है, मैम की आवाज आप तक आ रही है, मैम आपसे बात कर रही है, तो ये सब क्या है? सेंस ऑफ साउंड. और साउंड का साउंड कब होता है? साउंड किससे सुनाई देता है आपको? ईयर से. ओके, सो दीज आर 5 सेंस ऑर्गन. यहाँ पे भी देखो, आई कैन सी विथ माय आईज. आई कैन हियर विथ माय ईयर्स. I can smell with my nose. I can taste with my tongue. What is eating? Ice cream. I can touch with my hands. आप कोई भी चीज छू सकते हो कि नहीं छू सकते हो?
आपको फील होता है ना कि आपने कोई चीज पकड़ रखी है. सो आई कैन टच विद माई हैंड. नाउ कम ओपन योर बुक्स, वी विल डू द एक्टिविटी. वॉट इज द एक्टिविटी? द एक्टिविटी सेज लुक एंड लर्न. तो हमारे पहला सेंस ऑर्गन क्या है? आईज. आईज हेल्प टू सी. देन ईयर्स. ईयर्स हेल्प टू हियर. देन स्किन. स्किन ये जो होती है ना, ये क्या है? स्किन. दिस इज नॉट हैंड्स, दिस इज स्किन. तो स्किन का हमारा यूज क्या होता है? फील करना. कोई भी चीज हम टच करते हैं तो हमें फील होती है कि हमने कोई चीज पकड़ी हुई है. फिर नोज. नोज हेल्प्स टू स्मेल. ओके. देन टंग. टंग इज यूज फॉर टेस्ट. सो नाउ वील डू द एक्टिविटी. द एक्टिविटी में क्या है? टिक द करेक्ट ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑर्गन गिवन. तो अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से सेंस ऑर्गन दिए? तीन सेंस ऑर्गन दिए. कौन कौन से हैं? आईज, ईयर्स एंड नोज. अब हमें क्या करना है इसमें? यहाँ पे हमारे पास टू टू पिक्चर्स दी हैं. अब आप बताएंगे कि कौन सी पिक्चर कौन से सेंस ऑर्गन के साथ फिट होती है. अब आईज. आईज किसके काम आता है? टेलीविजन देखने के लिए या फ्लावर को स्मेल करने में? यस, टेलीविजन देखने में. तो वील पुट टेक ऑन टेलीविजन. ओके. देन ईयर. ईयर से हम बर्गर को सुन सकते हैं, लेकिन बर्गर तो बोलते ही नहीं है. बर्गर तो हम खा सकते हैं, और बर्गर का स्वाद हमें किससे आता है? टंग से आता है. तो फिर ईयर से हम क्या कर सकते हैं? यस, वी कैन हियर द म्यूजिक. सो वी टेक द हेडफोन. नाउ नोज. नाउ ये तो हो गया बर्ड, वो क्लॉक हो गई, अलार्म क्लॉक, और ये परफ्यूम हो गया. तो हम अलार्म क्लॉक को नोज से स्मेल कर सकते हैं या फिर परफ्यूम को स्मेल कर सकते हैं? यस, परफ्यूम. सो वी विल टेक ऑन दिस. टुडे वी हैव लर्न अबाउट सेंस ऑर्गन्स. हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स वी हैव? वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन. सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हेयर, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ फील. ओके. Now at home you will revise these sense organs and ma'am will ask you very soon about the sense organs. Okay, we'll have a test very soon and I will send you the assignment. You have to complete it on time. Complete each and every work on time. Okay, and any queries regarding the topic you can ask freely. Okay, now it's time to say goodbye. Take care. Bye-bye.